अरे नहीं नहीं भारती, अब क्या कर रही है? मजा नहीं आ रहा, कुछ अच्छे से करना भारती, थोड़ा थोड़ा अच्छे से हंसाना, अपने ऊपर जोक सुना, मोटापे पे बातें कर, अपने मोटापे की बातें कर, अपना मोटा पेट हिला थोड़ा, तभी लोगों को मजा आएगा, तभी पैसे मिलेंगे। कभी कभी ऐसी बातें सुन के मैं परेशान हो जाती थी, तो माँ के पास जाती थी, बचपन की तरह वो फिर मुझे समझाती थी और खुद उनकी आंख नम हो जाती थी। फिर मैं माँ से यही कहती थी, तू रोना मत माँ, मुझे सब याद है, अकेले होना मत, मुझे सब याद है माँ, तेरे थके शरीर ने किस तरह मुझे झुलाया होगा, खाली पेट बदहाली में कैसे तूने हंसाया होगा, छोटी उंगली पकड़ बड़े सपने दिखाए होंगे, उन सपनों का तगाजा करने कितने लोग घर आए होंगे, वो फलों को ऐसे देखना जैसे कि हीरे मोती, वो अपने निवाले को मुझे खिला देती जैसे कि आखिरी रोटी, पांव की वो सूखी दरारों को सलवार से छुपा लेती, सिलाई की वो मशीन की आवाज खट 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 लोरी गा के मुझे सुला देती, मन अंदर दर्द छुपा लेना पर सबको अपना बना लेना। तेरा ये हुनर मुझे याद है माँ, तू रोना मत मुझे याद है माँ, अकेले होना मत मुझे याद है माँ। भारती, सोना तब के कुंदन बनता है ये सब याद रखते हैं, लेकिन जो सोना तब के कुंदन बनाता है उसे याद सिर्फ कुछ खास करते हैं। क्या बात, ये आपकी कामयाबी भारती कि आपको सब याद है, कल आपकी माँ थी इसलिए आपका आज है। थैंक यू सो मच। वेलकम टू जज्बात पावर्ड बाय लक्स एंड प्लीज वेलकम इंडिया की सबसे चहेती, सबसे चर्चित अदाकारा, कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन, क्या क्या कहूं आपकी तारीफ में भारती, बहुत तारीफ करूंगा, आइए प्लीज बैठिए। थैंक यू आइए। जल्दी करो यार, थोड़ी बेचैनी हो रही है, अजीब सी। ओ यार कुछ नींबू पानी दे दीजिए। दवाई आगे दे दो मुझे यार, लाया क्या कोई? ऑर्डर। 3, 2, 1 एक्शन। भारती जी क्या कमाल किया आपने, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कितनी लेडीज, कितनी माए मन्नत मांगती होंगी ना कि हमारी बेटी भारती जैसी हो। हाँ, पिछले 8-9 साल से तो मांगी रही हैं, उससे पहले नहीं मांगती। हाँ, 8-9 साल में आपने बदल दिया, मैं वही कह रहा हूँ ना, मेरी बेटी हो तो भारती जैसी हो। ये बताओ कि आपकी मम्मी ने कितनी मन्नतें मांगी थी? अक्सर बच्चे मन्नतों से मांगे जाते हैं और बोलते हैं कि अच्छे हो, और मैं कोई मन्नत वाला बच्चा नहीं हूँ, मैं प्लैंड बच्चा नहीं हूँ, और पहले मेरे 2 भाई बहन थे, बड़ी सिस्टर फिर भाई, और जब मम्मी को पता चला कि मैं हूं उनके पेट में तो वो चाहती नहीं थी, उन्होंने बहुत सारी दवाइयां खाई, बहुत सारी जड़ी बूटियां खाई, पैरों के बल बैठ जाती थी, बहुत सारा काम करती थी कि किसी तरह से मतलब ये खत्म हो जाए। अब अबॉर्ट करने के लिए? बिल्कुल, आज जब मम्मी बताते हैं मुझे तो उनकी आंखें नम हो जाती है कि जिस लड़की ने हमको दुनिया दिखाई, हमको सब दिखाया, मैं उसको चाहती थी ऐसा करना, सो कभी कभी बहुत सॉरी बोलते हैं मुझसे। कमाल की बात है, देखो जिस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहती थी, आज दुनिया शायद उन्हें उसी बच्चे के नाम से जानती है। बट अब जो वो नहीं चाहती थी कि भारती हो, मतलब वो नहीं चाहती थी कि तीसरा बच्चा हो उनका, उसके बाद जब बच्चा हो गया तो आपको याद है कभी मम्मी में ऐसे चिड़चिड़ाहट होती थी कि तीसरा बच्चा हो गया, तीसरा पेट है पालने के लिए, कैसे करूंगी क्या करूंगी? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं होता, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा घर में बोलने वाली, खाने पीने वाली, मस्ती करने वाली, जिद्दी थी, सब जिद पूरे किए गए, जितनी उनकी मतलब हिम्मत थी वो करती थी, लेकिन आज तक मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं तीसरा बच्चा, मैं वो बच्चा थी जिसे चाहते नहीं थे। और हालत कैसे था, माहौल कैसा था घर का?
माहौल तो बताने लायक है नहीं। भारती का कॉमेडी पल सबने देखा, अरे ये करती है, फ्लर्ट करती है, कॉमेडी करती है, स्टैंड अप करती है, लेकिन ओरिजिनल लाइफ क्या है? मैं 2 साल की थी, मेरे फादर नहीं रहे, मम्मी तब 22 साल की थी। आप सोच भी नहीं सकते कितनी यंग लड़की, मतलब उस उम्र में लड़कियां कॉलेज पास करती हैं। अब मुझे पूछते हैं लोग कि आप इतना हंसाती है, फैमिली में कौन है? तो मैं बोलती फैमिली में कोई नहीं, क्योंकि सबने इतना दुख इतना दर्द देखा है कि कॉमेडी भूल गए। आप मेरी सिस्टर देखेंगे, मेरा भाई देखेंगे, बहुत सीरियस है। मैं मिडिल क्लास भी नहीं कहूंगी, पुअर फैमिली बैकग्राउंड था। मतलब मम्मी बाहर जाते थे काम करने, एक फैक्ट्री में जहाँ पे कंबल बनते थे। आजकल शायद हम लोग कंबल वो यूज भी नहीं करते, दान में देते हैं, जिसकी वो लटकन होती है वो बैठ के उसको रोल करना होता था। तो फिर कभी कभी रात को घर लेकर आते थे, फिर रात को अगर वो काम हो गया तो एक मशीन होती थी जिसमें जो माता रानी को दुपट्टे चढ़ते हैं उसकी किनारी होती है, गोटा लगता है वो तो वो आवाज़ सुन के ही मैं बड़ी हुई हूँ। सोती थी तो खट 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 चलती रहती थी, उठती थी तो खट खट, तो मैं सोचती थी कि मम्मी सोई नहीं। मुझे आज भी, अभी मैं कहीं अपने कपड़ों के लिए जाती हूँ, चलती होती ना मशीन, मुझे ऐसा लगता है मम्मी ही बैठे। जैसे बाकी बच्चों के लिए फेस्टिवल आते तो बहुत खुश हो जाते हैं, ये दिवाली आ रही है, ये आ रहा है, जब फेस्टिवल आते थे मैं रोती थी, क्योंकि वो फेस्टिवल के लिए पैसे नहीं होते थे। दिवाली की पूजा तब होती थी जब मम्मी वो फैक्ट्री में काम करते थे और वर्कर्स को दिवाली मिलती है, बर्तन मिलते हैं नए, मिठाई का डब्बा मिलता है, तो वो मिठाई का डब्बा जब घर आता था तब लक्ष्मी की पूजा होती थी। आपको कब महसूस हुआ कि मेरी मम्मी इतना काम करती है? मेरी मम्मी एक टाइम आता है, मतलब हम जब बहुत छोटे भी होते हैं तभी भी एक वक्त आता है जहाँ पे हमें एहसास होता है कि यार इतना कुछ कर रही है हमारी मम्मी, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? जब मैं थोड़ा बड़ी होने लगी और जिनसे उधार पैसा लिया था या मेरे फादर पहले लेकर गए थे, तो जब 4-5 साल या 6 साल की होने लगी तो वो लोग रोज आते थे, गालियाँ निकालने लगे थे। तो फिर मेरे को एहसास होने लगा कि ये गलत बोल रहा है, मेरी मम्मी को गाली दी इसने, ये वो। तो फिर उम्र से पहले ही बड़ी होनी शुरू हो गई कि फिर नफरत होने लगी थोड़ा जेंट्स लोग से कि ये गालियां देते हैं, मेरी मम्मी को क्यों दी? आके मम्मी इतना रोती थी, फिर डबल काम करने लग जाती थी। सो धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई और मुझे पता चलता गया कि ये गरीबी है। और ओ माय गॉड, मैं बड़ी होनी शुरू होगी, मुझे लगा कि ये गलत हो रहा है सब, ये कैसे, मैं मुझे कुछ करना है, मैं क्या करूं, मैं ये करूं। फिर मैं जब सरकारी स्कूल में, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल के तो कभी सोच भी नहीं सकते थे, मम्मी को कुछ 50-55 रुपए दिहाड़ी मिलती थी उसमें ही, मतलब हमारा ऐसा था कि रोज कमाना और रोज खाना। तो जब मैं सरकारी स्कूल में गई तो पढ़ती गई, फिर उसके बाद मैंने NCC ज्वाइन किया जिसमें कैंप्स लगते थे, और कैंप्स में जब जाओ घूमने मिलता था तो मैं घर में रहती नहीं थी, मेरे को परेशान हो जाती थी मैं सब, मुझे गरीबी पता नहीं क्यों, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनी, मैं कैंप्स में चली जाती थी, तो मुझे वो ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लगने लगी। तो एक बार मैं मस्ती खोर, तो मैं गार्डन में कुछ कर रही थी, तो मिस्टर सुदेश लहरी ने मुझे देख लिया और ऐसे करके देखे कि लड़के बोली वो आदमी देख के गया, वो ना एक्टिंग करवाते। तो मैं कहा चल कोई नहीं, मैं शायद ज़ोर से बोली होगी, लड़की कहती आपको अंदर बुला रहे। मैं गई तो कहते बेटे ये पेपर है 4 लाइनें बोल के बताओ। तो मैंने बोला क्या हुआ? कहते नहीं हमारा ड्रामा है उसमें। मैंने बोला सर मैं नहीं कर सकती, मैं गेम, हम स्पोर्ट्स वाले हैं, हम 5 बजे आते, बोलो तो सही। तो मैंने ऐसे फटाफट बोल दी, तो बोलते ठीक है आपको बताते हैं। मैं कहा नहीं बताते नहीं सर, मैंने सुनना ही नहीं, मैं करना नहीं मुझे। सो टीचर को बोला, टीचर क्लास में आ गए, बोलते ऐसे ऐसे करना है ये वो। तो सुदेश जी ने कहा कि मैं स्किट करवाता हूँ कॉमेडी, और तुमने ये बहुत अच्छा किया, तुमने अंदर से बोला बेस से, तुमको एक्टिंग सिखा दूँ मैं। मैंने बोला क्या? मैंने बोला मैम क्या हुआ? कहते इससे कि आपको हॉस्टल मिल जाएगा, हॉस्टल में रह सकते हो। तो मेरा और थोड़ा हो गया था। फिर उसके बाद राजीव ठाकुर जी हैं, राजीव ठाकुर ने कहा कि हमारा एक थिएटर ग्रुप है तो एक रोल है, तुम करोगी क्या? माँ का रोल है और बेटा पैसे मिलेंगे उसमें। मैंने बोला सर किधर आना है? मैंने सीधा ऐसे पूछा। कहते ये नाटशाला है, यहाँ पे प्ले होते हैं सैटरडे संडे, तो आपको वहाँ आना है।
तो एक ना 250 रुपये मिलेगा एक एक शो का. तो मतलब हफ्ते में दो शो है सैटरडे संडे. मैंने पूरा हिसाब लगा लिया. मैं क्या मतलब 2-2.5 हज़ार बन जाएगा. दो ढाई मतलब मैंने अपनी जिंदगी सोच ली थी. लेकिन एक्चुअल में भारती आपकी कहानी बहुत फिल्मी रही है ना. कहाँ से कहाँ छलांग मारी आपने. सच में आपको कोई ऐसा वाकया याद है जहाँ आपने मम्मी को डिप्रेस देखा हो. मैंने देखा है उनको क्योंकि जिस आदमी ने आके गालियां दी होती थी उसको बोलते थे भाई 15 तारीख को आ जाना. तो 14 तारीख को मम्मी के मुंह पे दिखने लग जाता था वो. मैं मुझे लगता था मैं कैसे करूं. मेरे को दिल करता था कि मैं किसी गुंडों के गैंग में चली जाऊं. मैं दुकानें लूटने लग जाऊं. मेरी माँ ऐसा क्यों हो रहा है यार. मतलब सारी उम्र काम करते ही देखा उनको. भगवान से माफी मांगती हूँ. मैं बहुत कम मंदिर जाती हूँ क्योंकि पत्थर के भगवान है कभी बोलते नहीं देखे. लेकिन हमारे पास जो हमारे भगवान है वो बोलते देखे, प्यार करते देखे, हमारी केयर करते देखे. भगवान से मांगते हैं भाई ये हो जाए. टाइम लगता है पहुंचने में. ये वो मम्मी पराठा बना दो ना तुरंत. तो वो मेरा भगवान है. मेरा भगवान मेरी तुरंत सुनता है. तो घर पे फाइनेंस मिनिस्टर वही है. घर में शॉपिंग कौन करता है. घर की शॉपिंग सब्जी वगैरह वही जाती है. और उसी में खुश होती है वो जब वो 5 किलो कोई सब्जी लेके आती है और धनिया की एक गट्ठी होती ना वो फ्री मिल जाती. तो इतनी खुश होती हूँ जब शूटिंग से आती है ये चीजें सुनती हूँ उनकी ना कि आज भी वो वही है और मैं चाहती हूँ कि यही रहे वो. और कैसी है वो उनकी देखते हैं. छोटी सी झलक हमारे पास में है. देखते हैं भारती की मम्मी शॉपिंग जब करके आती है सब्जी लेके आती है तो क्या करती है. ये दे दो भाई स्प्राउट के 2 पैकेट दे दो. स्प्राउट भाई आंवला भी दे दो पाव. क्या भाव लगाया. आंवला 30 का पाव. नहीं नहीं बहुत महंगा. मैं थोड़ा कम करो. 29 कर दो भाई. सॉरी भैया मेरी मम्मी को पंजाब की आदत पड़ी हुई है ना. उधर सस्ती होती सब्जियाँ. बहुत सस्ती होती है यहाँ तो बहुत महंगी. हाँ 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 चलो आप दे दो दे दो. हमारे से कमाना है. हाँ ठीक है हो गया. ज़्यादा पैक कर दो सारी सब्जी. हाँ. अरे भाई इतनी सब्जी ली धनिया तो दो. मम्मी क्या खरीद लो ना धनिया के मुफ्त में मांगी जा रहे हो. अरे इतनी सब्जी ली और उसमें ही पैसे लगा रहे हो. अरे मम्मी दे दो. अरे अरे हमारे पंजाब में तो इतना इतना फ्री दे देते हैं. अच्छा आंटी ले लीजिए. इतनी ज्यादा खुशी सब्जी खरीद के नहीं हुई जितनी धनिया से मिल गई. सारी माँ एक जैसी होती है ना. सारी माँ एक जैसी होती है. जब तक उन्हें फ्री की चटनी मिल जाए फ्री की मिर्ची मिल जाए बड़ी खुशी. चलिए मम्मी से आगे बढ़ते हैं. मम्मी की बेटी भारती पे आते हैं. भारती मुंबई कैसे पहुंची. ये तो बहुत ज्यादा कॉमेडी वाली बात है. पंजाब में अगर लड़की कोई होटल में जाती है तो उनको सोचता कि गलत काम करने जा रही है. और जब कपिल शर्मा जी ने मुझे बोला कि भाई हमने 3 कर लिया है शो. हमारा सीजन 3 है तुम्हारा 4 है तो तू कर ले. मैंने बोला नहीं सर मैं कैमरा फेस नहीं कर सकती. अरे कुछ नहीं होता तू ऑडिशन तो दे. मैंने बोला कहाँ है भाई. तो बोलते ऐसे से ना एक जगह है वहाँ पे होटल है वहाँ पे. मैं तो आप मान नहीं सकते. बॉम्बे की बात कर रही हैं आप. अमृतसर में थी तब. नहीं अमृतसर में ऑडिशन था. तो मैं 3 लड़कियां लेकर गई अपने साथ में. उनके पास फोन था एक मैंने ले लिया. मैंने बोला मैं ऑन करके ही जाऊंगी और जैसे ही मेरी चिल्लाने की आवाज आए तो तुम लोग ऊपर आ जाना. मतलब मेरे को ऐसे लग रहा था कि मतलब कोई ऐसे ही बैठा होगा पकड़ के गिलास क्या कर सकती हो तुम. खुश करो तो तुम्हें बॉम्बे ले जाएंगे. फिल्में देख देख के ना दिमाग में वही भरा था. सो मैं गई. मैंने दरवाजा खटाया तो वैसा ही सीन था. वो पूरा मतलब शॉर्ट्स और गंजी में बैठे थे जूस वगैरह. हाँ क्या नाम है. मैंने बोला ये तो सेम वही. मैं सर भारती मेरा कॉलेज ये है और ये क्या कर सकती हूँ. मैं कहा सर मतलब हंसा सकती हूँ कैसे क्या. उन्होंने कैमरा लगाया था कहते जो आता है इसमें कर दो. मैंने जो 5-10 मिनट में जिंदगी भर जो कॉमेडी के स्किट किए थे मैंने एक ही सांस में बोल दिया. किसी में कोई पंच लाइन समझ नहीं आ रहा था. मैंने बोला हाँ. कहते आप जाओ आपको बताते हैं. 2-3 महीने कोई फ़ोन नहीं. सो 2-3 महीने बाद पड़ोसियों के घर फ़ोन आया. तो वो आवाज़ देते ना नहीं भारती तुम्हारा फ़ोन आया बॉम्बे. तो मम्मी कहते बॉम्बे से. मैं कहा रुको मैं सुन के आती हूँ क्योंकि कॉलेज में मैं ही पढ़ती थी तो थोड़ी बहुत हाय हाउ आर यू ये वाली इंग्लिश आती थी. मैंने बोला मैं क्या हेलो आई एम रिद्धि फ्रॉम एंडेमोल. मैं तो हाँ तो मैं क्या करूँ. आपने 2-3 महीने पहले ऑडिशन दिए थे लाफ्टर के. मैंने आप सिलेक्ट हो गई हैं तो आपको बॉम्बे आना है. भारती अभी छोटा सा एक ब्रेक लूंगा मैं यहाँ पे. 5 सेकंड का ब्रेक. नहीं नहीं मुझे वो ब्रेक नहीं लेना. 1 सेकंड का ब्रेक. 1 सेकंड कैन आई हैव. ठीक है तबीयत अभी या
क्या ही है? दूसरी गोली मंगाई तुमने नहीं रही, तो लोली तो मैंने लिया होगा, तो जिसने बोला था पूछना उससे। मुझे प्लीज बोल दो। I took it. Just keep prompting me, भाई। चल चल, let's go guys. चाय से यार, perfect. थोड़ा ब्रेक लेना सर आपको। नहीं नहीं, perfect. I'll tell you. ये इसके बाद वैसे भी ब्रेक है ना, चलो। So भारती, 10 साल हो गए आपको। जी। अब एक सवाल मन में आता है कि पहली बार जब पैसा देखा था, तो कैसा लगा था? मैंने पहला शो बॉम्बे में किया था, 1 लाख रुपए मिला था तब मुझे। मुझे जैसे ही पैसे देने आए तो वो बोलते कि कहते हैं ना, गिन लीजिए भारती जी। तो मैं क्या, अच्छा, मैंने ऐसे रखे और वो देख रहे थे, गिन लीजिए। हाँ जी। वो मैंने 4-4, 5-5 नोट एक साथ ही गिन लिए। मैं क्या, मैं बोला हाँ जी पूरे हैं। ठीक है, अब 15 मिनट में नीचे आ जाइए, परफॉर्मेंस है आपका। मम्मी को देकर गई, मम्मी तो उसी जगह पे बैठी, पैसे भी रखे, और मैं जब 3-4 घंटे बाद आई तो उसी जगह पर थी। वो कहता था मैं वॉशरूम भी जाऊंगी तो खिड़की से कोई आके पैसे ले जाएगा। उसके बाद हम पंजाब गए, आप मान नहीं सकते, वो पैसा 1 लाख रुपए आई कैसे लेकर गए। आपने पठानी पहना होगा, सलवार पहनी होगी, जो लेडी सलवार होती है उसमें जब नाड़ा डालते हैं तो जगह होती है, उसमें थोड़े पैसे रोल करके, थोड़े टी शर्ट पे ऐसे रोल करके, मतलब ऐसो भरा बैग, मतलब हमको करोड़ रुपए लेके जा रहे, ऐसी फीलिंग थी। थोड़े मम्मी, थोड़े तू दुपट्टे तो बन ला, मैं मतलब वो सारा रात पैसे सेट करती थी। और फिर घर जब गए टैची खोला, पैसा ढूंढने में हमको पता कितना टाइम लगा, कितना देर मुझे परफॉर्मेंस में लगा। मम्मी उतने भी रखे सी, फिर टी शर्ट भेज जरा, हाँ ऐसे झाड़ झाड़ के पैसे निकाले। यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और इनकी जिंदगी में क्या क्या हुआ जानेंगे बस कुछ ही देर के बाद। चेस्ट में पेन हो रहा है। I want Bharti. जल्दी करो यार, थोड़ी बेचैनी हो रही है, अजीब सी। ठीक है तबीयत अभी? या दूसरी गोली मंगाई थी मैंने, तो लोली तो मैंने लिया होगी, तो जिसने बोला था पूछना उससे। दुनिया के सामने आप बहुत गैग करती है, मैंने कहा अगर मैं भारती के ऊपर गैग कर दूं तो क्या मजा होगा। कैसी हैं भारती आप? डॉक्टर है सेट पे। मैंने सच में सोचा था कि अगर भारती के ऊपर मैं गैग खेल सका और अगर भारती के ऊपर वाकई कुछ इफेक्ट होता है तो मेरी विक्ट्री है। तो एक्टर मैं आज भी बहुत अच्छा हूँ, मानती हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे है यार, मतलब भारती सिंह को हिला दिया, जो लोगों को हिला देती है। मुझे लगा कि मतलब होता ना कि शादी के बाद फर्स्ट टाइम आए हैं तो अच्छा अच्छा हो, मैं क्या कहीं मनोज साबित ना हो जाए कि अरे इतना बड़ा स्टार, ओ पूरा, अरे बाप रे, दिल की धड़कनें आज कुछ अलग ही बोल रही है। किसी को माफ नहीं करूंगी मैं, खत्म होने दो, बाहर मिलो। अच्छा ये बताओ भारती, ये सारी बातें हो गई, आपका आना, आपकी स्ट्रगल सब कुछ मालूम पड़ गया। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब आप कॉलेज में थी तब लड़कों के ऊपर क्रश होता था, बड़े ज्यादा, कैसे डील करती थी? डील मतलब बात ही नहीं कोई करता तो डील कैसे करे, मतलब गेम्स में आपको पता कैसे होते हैं, पहलवान है भारती कैसे, तो उधर जाता ही नहीं था ध्यान का। उनके साथ खुंदक थी कि इसका क्यों, इसका गोली उधर लगी, मेरी क्यों उधर लगी, तो उनके साथ वो था। और इतने बड़े कॉलेज में पढ़ती थी तो रिक्शा के लिए जब गेट पे खड़ी होती थी तो लड़के आते थे आप जैसे,
मतलब गाने डिचकड़ी लड़कियों को इशारे, ये वो कोई बैठ के निकल जाती थी और मैं उसी में खुश। और मेरे कैसे दोस्त होते थे, आम पापड़ वाला, गोला बनाने वाला। तो क्या लड़के डरते थे आपकी पर्सनालिटी को देख के? और लड़के हमेशा देखते हैं, सुंदर कड़क लड़कियां होती है जो, आप भी कड़क लड़कियों को देखते होंगे। नहीं यार, मैं तब से आपको देख रहा हूँ और मन में लड्डू फूट रहे हैं कि आप मेरे सामने बैठी। बंद करो, आओ डिनर पे चले पहले। सो मैं भी देखती थी लड़कों को, लेकिन हाँ हमेशा पजामे पहने रहना, स्पोर्ट्स वाले शूज, चोटी, तेल लगा के, तो कोई ध्यान नहीं जाता। तो मतलब हमेशा लड़की हाय हाउ आर यू, जो चुलबुलियाँ होती ना, सब लड़कियों उनको पसंद आते कि ये वो ये अच्छी लड़की है, तो मेरे पे किसी का ध्यान नहीं जाता। पर कभी अप्रोच किया आपने किसी को हिंट दी कभी? गर्ल्स कॉलेज था, पीएन थे आसपास अमृतसर में कोई लड़का? मुझे सच में मेरा उन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं गया। कैसे उसने आपको सारी? नहीं नहीं, मैं अपने आप को भी तो देखती थी ना शीशे में। क्या बुराई थी? सिर्फ वजन ज्यादा था, थोड़ा कद थोड़ा छोटा छोटा था। तब मैं आपके पास मिलती और बोलती कि ये लो सिंदूर भरो भाई, तो आप बोलते हटाओ इनको, कौन है, ऐसे होता। आप देख, सच में मैं अपने आप को अब भी देखती हूँ ना, मैं बोलती हूँ हाय, मतलब क्यों? क्योंकि मेरे लिए कोई और बनाया हुआ था और उसी के लिए बॉम्बे आई मैं। तो भारती बात बताओ, जब तुम 16 साल की थी, आज भी उतने की हो वैसे? शुक्रिया। तुमने कहा कि इतनी हिम्मत नहीं थी लड़कों को अप्रोच करने की, या नहीं करती थी क्योंकि लगता था कि नहीं आएगा कोई, उन्हें बड़ी खूबसूरत सी लड़की चाहिए। आज जब इतनी कॉन्फिडेंट भारतीय में दिखती है, आज जब सब कुछ है, फेम है, पॉपुलैरिटी है, पैसा है, अब वो हिम्मत आई? हिम्मत अंदर बहुत होती है, वो शादी होगी तो बता नहीं पाते, आपके भी बहुत होंगी। बहुत अभी। आपका दिल कर रहा होगा ये वाला एपिसोड मैं इधर बैठ के करूं। आई ना, यहाँ भी नहीं करूं मैं, तो बाहर ही करूंगी। ये बताओ, मेरे में मतलब हिम्मत आ गई अभी। तो जो मुझे लड़कों का क्रश था वो इतना नहीं था, लेकिन आज काफी हो गया है ऐसे। ऐसे करते हैं सारी बात बाकी का। तो मुझे अच्छे लगते हैं कुछ लोग, मैं मेरा दिल करता है मैं ऐसे करूं और नाइस खुश, और मतलब मेरे को सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत चुलबुली, बहुत जल्दी प्रैंक हो जाए, कुछ मत बोलिए। और बस काफी गर्म हो गया मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अरे कोयले की भट्टी ऊपर आएगी तो गर्म हो ही जाए। बात कीजिए ना, थोड़ा हटाइए। क्या था, क्या पूछना चाहते थे? बस मैं भूल गया। कैसा लगा आपको? आप भूल गई कि मैं भी शादीशुदा हूं? आप पहले सांस ले लीजिए। अब जब बॉम्बे आई आप और सक्सेसफुल हो गई, यू नो सब जानने लगे भारती कौन है, तब लड़के तब ना या भी निकल जाती, मुझे दुख आता ना, कोई लड़का नहीं तब भी, मतलब मैं ना क्यूट हूँ, मतलब ओह शी इज सो क्यूट यार, है ना? तो वही आई लव हर, मतलब ये नहीं कि यार मुझे कुछ होता है भारती, वो नहीं। क्यों आपको ऐसा? ये आप सोचती हैं, आपको कैसे मालूम कि लड़के भी यही सोचते थे? मुझे ना थ्रेडिंग फर्स्ट टाइम इधर ही करवा के दी थी इन्होंने, तो मैं इतना रोई थी, इधर से पकड़िए, तो मैं क्या हाई क्या कर दिया टीवी पे आने के लिए, कर मतलब इतना तैयार कर दिया था। तब भी ना वो जो 2-3 साल थे ना, वो था कि मैं आउट ना हो जाऊँ, उसमें लग गए। फिर जब वो वहाँ से हटी, थोड़ा जानने लग गए लोग, तो फिर पैसा कमाने में मेरी वो सारी चीज़ें निकल गई। हाँ मैं देखती थी बड़े बड़े स्टार के साथ शोज में जाती थी, काम फर्स्ट टाइम मैंने शाहरुख खान ने पप्पी ली, और आप मान नहीं सकते कि मैंने वो फोटो कहाँ से ढूंढ के अपने उस पर डाली कि शाहरुख ने पप्पी ली है, शाहरुख ने किस किया पप्पी ली यहाँ पर, माथे पे किस किया। तो मुझे लगा था कि मतलब मैं मेल लीड ही हूँ, मैं अगली फिल्म शाहरुख के साथ ही करूँगी, ऐसी वाली फीलिंग, मतलब मैं इतने ख्वाबों में चली गई थी। फिर काम में इतना ध्यान था क्योंकि वो मशीन की आवाज़ कान से गई नहीं थी, वो पैसे जो मिलते थे जिसकी सब्जी आती थी या वो दिवाली का एक डब्बा, कभी दिमाग से नहीं गया, मैं उसके पीछे ही लगी रही। मुझे था कि मुझे शादी करनी है, पर किससे करनी है? मुझे था कि मैं किसी लड़के को बोलूंगी कि मैं आई लव यू, ए चलना मोटी, पता नहीं मुझे लगता था कि मुझे ऐसे बोलेंगे,
लेकिन वो जो सक्सेस मिलता गया फिर वो मोटी शब्द ना हटता गया, क्यूट बबली। जब सक्सेस आई, फेम आया, पैसा भी आया, कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स एक लड़की तो हो आप, और वो लड़की के मन में फीलिंग एक कभी एक कॉम्प्लेक्स हुआ कभी आपको कि यार यू नो आई हैव एवरीथिंग राइट नाउ, मेरे पास घर है, पर घर पे जाऊं तो कंपेनियन चाहिए मुझे, यू नो व्हिच इज अ वेरी नेचुरल थिंग। तो उससे कैसे डील करती थी आप? मैं शुरू से ही ऐसी हूं, हेल्दी, अभी हेल्दी बोलते हैं, सॉरी मोटी भी नहीं बोलते, हेल्दी अच्छी हो तो मैं खुश हूं अपनी चीज में। मुझे एक ही गॉड गिफ्ट है, मैं इसके साथ छेड़ाछाड़ी नहीं करूं, मैं ठीक है, मैं फिट रहती हूं, मैं योगा करती हूं, मैं घर का खाती हूं, और मुझे जिसने प्यार करना है इसमें किया है, मैं जैसी हूं ऐसे किया। हाँ मम्मी को थोड़ी फिक्र हो गई थी, जैसे पैसा आना शुरू हो गया थोड़ी पतली हो जा, कौन ब्याह करेगा तेरे ना, मैंने बोला मम्मी कर लेंगे सब, टीवी पे सब ने मुझे देखा है कि मैं ऐसी मोटी हूँ जिसको प्यार होना का हो जाएगा। तो अगर मोटापा, तो अगर मोटापा इनसिक्योरिटी नहीं था आपका, तो आपकी इनसिक्योरिटी क्या है? मुझे सिर्फ ये डर लगता है कि पैसा चला जाए, मुझे कोई डर नहीं है, मेरे में टैलेंट है, मैं दोबारा खड़ी हो जाऊंगी, घर चला जाए मैं दोबारा बना लूंगी, मां नहीं जानी चाहिए कभी, माँ को दोबारा नहीं बना पाऊंगी, वो कभी नहीं जानी चाहिए, मतलब मैं उनसे पहले चली जाऊं वो नहीं जानी चाहिए। ओके भारती, एक गेम खेलेंगे, मैं आपको कुछ लाइनें दूंगा, जो मैं बोलूंगा उन लाइनों को आपको बिना ह्यूमर के बोलना, छोटा सा ट्विस्ट है इसके अंदर, और ट्विस्ट ये है कि आपके सर पे ये हेडफोन होगा जिसमें जोर जोर से गाने बजेंगे, एमोटी। पहली लाइन, कितने पैसे खर्च हुए हर्ष के? कितने कितने पैसे पैसे पै पैर कितनी बार कितने कुचला अपने हर्ष को पैर से? कितने पैसे खर्चे हुए हर्ष के? अगली लाइन, आरती में कितने पैसे इकट्ठे हुए? आरती हो क्या? आरती में आती हो क्या मेरे घर आरती बच्चा? सर अभी मैं सोचा ही नहीं, अभी चार महीने शादी को, इतना भी जमाना आगे नहीं गया। मेरी लाइन बोलनी है, दोहरानी है, आरती में कितने पैसे खर्च हुए? हाथी? अरे क्या मतलब हुआ बोलते हैं अब जज्बातों के बारे में, इनके भी अंदर से हाथी निकल ही गया। हाथी नहीं बोला मैंने, मैंने बोला आरती में कितने पैसे खर्च हुए? आरती में कितने पैसे खर्च हुए? खर्च हुए? जुआ आज तक नहीं खेला पता, ये मतलब हाँ। दिवाली में भी नहीं पत्ते कभी। देखा, मैंने कहा था कि बिना ह्यूमर के ये लाइन बोल ही नहीं सकती। एक और लाइन, एक ब्रेक लेते हैं। सुन लिया ना हर्ष ने, भाई मेरा घर हो जाए। एक, एक, ने एक पप्पी हो या दो पप्पी, तो पप्पी होती है ना। हमने बात की सक्सेस की, स्ट्रगल की, सब बातें की, लड़कों की बात हमने की, वो पल कैसा था जब किसी लड़के ने वाकई में आपको लड़की होने का एहसास कराया? अब जानती है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। राहुल की ना, ओ सॉरी हर्ष की ना, हर्ष की, आई लव हर्ष। मुझे नहीं लगता कि मैं उनके बिना लाइफ सोच सकती हूँ, अभी तो एक पल भी नहीं सोच सकती। हर्ष ने बताया कि यस तुम लड़की हो। हाँ पर वो कैसा था, वो कब शुरू हुआ, कैसे मालूम पड़ा आपको, कब प्यार हुआ? पता नहीं यार कैसे प्यार हो गया, जो शो में करती थी हर्ष उसके लिखते थे वो, और हर्ष की तब ऐसा शुरुआत थी कि जिसकी भी स्क्रिप्ट लिखते थे वो आउट हो जाता था। तो एक चश्मे वाला लड़का चुपचाप सा गुजराती वो, तो मैंने बोला हर्ष हाँ जी, मैंने बोला आप मेरे लिए लिखोगे? अरे नहीं नहीं नहीं, आपका अच्छा चल रहा है मतलब आप आउट ना हो जाए। तो मैं पूरी कॉन्फिडेंट कि मैं तो हंसा ही लूँगी, मैंने बोला कोई बात नहीं, होता ना कोई बात नहीं, मैं क्या मैं अच्छा करती हूँ, स्क्रिप्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना भी डालती हूँ। तो अच्छा मैं लिखता हूँ आपके लिए,
हर्ष जी ने मेरे लिए स्क्रिप्ट लिखी सर, मैंने परफॉर्म किया और मैं भगवान की दया से आउट हो गई। हमारे डायरेक्टर ने बोला है वाइल्ड कार्ड एंट्री है, उसमें फिर परफॉर्मेंस होता है। वाइल्ड कार्ड में भी उनकी स्क्रिप्ट थी, तो मैं पढ़ूं मेरे को इंटरेस्ट ना आए, मैं कब फिर इसकी फिर आउट हो जाएंगे। फिर वो जो गुस्से में परफॉर्मेंस थी ना, 10-10 स्टैंडिंग ओवेशन, जजेस खड़े हो गए, ये चाहिए भारती हमको, ये भारती मिसिंग थी पिछले एपिसोड में, और फिर मैं देखूं फिर ये ऐसे। फिर हम एक साथ बैठ के स्क्रिप्ट बनाने लगे, बहुत सारा टाइम बिताने लगे एक साथ, एक ही तरफ घर था तो एक साथ जाने लगे। फिर मैं खाना लेके आती थी तो एक साथ ही खाना खाते थे, मुझे प्यार हो गया था उसका तो मुझे पता नहीं। 5-6 साल हमारे सेट पे किसी को पता ही नहीं चला कि हमारा टाका भिड़ा हुआ है। पर तब तक उसका भी टाका भिड़ गया था, उसका भी प्यार हो गया था। नहीं एक्चुअली ये उसी से पूछते ना, कहाँ है वो, कहाँ है हर्ष? हर्ष तो मेरे लिए हर जगह है, तो कण कण में बसते नहीं। हर्ष की एक प्रॉब्लम है, मैं जिसके साथ इतना मर्जी फ्लर्ट करूं उसको कभी गुस्सा नहीं आता, तो मैं चाहती हूँ कि आ जाए, अपन छोटी सी एक शादी कर लेते हैं। सो प्लीज वेलकम राइटर भारती के हस्बैंड हर्ष लिम्बाचिया। मुझसे इतनी तंग है, दूसरा कहाँ से फालेगी? ये एक्चुअल में ये तेरे को, तू ही पहन के बैठ भैया, खुद ही पहन ले, फिर से फांसी हो जाए, फिर से हो जाए। हाँ जी पहना है, लड़कियां शर्माती है ना, ताली तो बजाओ जो बैठे लोग। और ये हर्ष लिम्बाचिया को एक बार 4 महीने बाद फिर से फांसी। थैंक यू सो मच। अरे पैर तो छू, पुरानी यादें। थैंक यू सो मच हर्ष, शो पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसने भी बोला, भारती ने बताया कि 7 साल तुम लोग डेट कर रहे थे, वो 7 साल में भी ये परफॉर्म करती होगी? जी हाँ। तब तो थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी होती होगी यार, ऐसे कैसे कि नहीं होती? नहीं, कभी कभार ऐसा लगता था, कभी कभार बहुत टाइम पहले, मतलब इनिशियल स्टेज पे होता है ना, जब आपको बहुत इनसिक्योरिटी होती है अपने पार्टनर के लिए कि यार ये क्या, 1-1.5 साल तक, उसके बाद पता ही लग गया कि नहीं यार ये मेरी है। ये बता भारती में क्या पसंद आया? मुझे भारती में पूरी भारती पसंद आई। मैं रीजन बताता हूँ, क्या था ना कि भारती इज माय फर्स्ट गर्लफ्रेंड। ओ करम खुदाया है, जिंदगी में पहली लड़की भारती है मेरी लाइफ में। तुझे मुझसे मिलाया है। बिकॉज आई हैव स्टार्टेड माय राइटिंग करियर एट द एज ऑफ 17, जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन रहा था लीगली। सो डे 1 से मेरा एक ही था कि यार काम करना है, राइटिंग करनी है, राइटिंग करनी है। तो पढ़ने में वढ़ने में कभी वो मौका दिखा नहीं, कभी कुछ हुआ नहीं। सो उसके बाद जब भारती से मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि बस बोला, बस इससे प्यार हुआ, अब यही है। तुझ पे मर के ही तो। बट कहीं मन में था कभी कि यार भारती स्टार है, उस टाइम भारती स्टार थी, तो मन में था कभी कि यार मैं से बात करूंगा कहीं? नहीं, हाँ नहीं, लोगों ने ये मन में डाला। क्या होता है ना कि आप अपनी तरफ से प्रॉपरली सोच के चलते हो कि नहीं मैं इससे प्यार करूंगा, मैं इससे शादी करूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है ना कि जब आप लोगों की सुनने लगते हो तो आप डाइवर्ट हो जाते हो कि नहीं यार उसने बोला, फिर आप चाहे कितना ही बोलो कि मैं नहीं सुनूंगा। मुझे पता लग गया कि मैं जितना लोगों का सुनूंगा ना मेरी लाइफ खराब होगी। बहुत भारती को भी बहुत लोग बोल रहे थे कि किस 2% के राइटर के साथ तू अपनी लाइफ खराब कर रही है, यूर सेलिब्रिटी, वो कौन है, वो क्या कर रही है। ये तब भारती ने किसी से कहा था कि वही राइटर एक दिन मर्सिडीज लेगा, और भगवान की दया से 3-4 साल पहले वो वक्त भी आया। वही राइटर, वही राइटर के पास आज भारती है। पहला कदम किसने उठाया? मैंने। तूने उठाया? नहीं, बिकॉज इशारे तो मिल चुके थे बहुत ज्यादा। हाँ, मैंने कोई ऐसा भी नहीं किया कि सॉरी, ये भी नहीं हुआ कभी। तो लेकिन नहीं, तेरे को समझ में आ गया था। उसके बाद जब बात बाहर आई, हाँ जी, तब क्या रिएक्शन था? सो जब बात बाहर आई तो हमारी कॉलोनी में बातें होने लगी कि अरे अरे देखा मेरे को, हमको तो पहले से पता था ऐसा वैसा। कि फैमिली पापा को फोन आने लगे कि अरे
लड़की तो एज में थोड़ी बड़ी है, आप ये क्या कर रहे हो? सो फिर डैडी ने मुझे पूछा कि बेटा क्या है? डैडी शादी तो इसी से करनी है, और मेरे फैमिली में बहुत ज्यादा मेरे मॉम डैड बहुत सपोर्टिव है, हमेशा जो भी मैंने किया है मेरा साथ दिया है। तो कहा कि बेटा अगर तेरे को सही लग रहा है तो गो फॉर इट। उसके बाद बात आगे बढ़ी और शादी हुई। बहुत चर्चित शादी थी भैया, बहुत सारे स्पॉन्सर्स थे। मार्क ज़करबर्ग को ही पता लग गया होगा फेसबुक पे, इतना लाइव फोटो थी। इतना हुआ था। स्पॉन्सर्ड शादी कैसे हुई? स्पॉन्सर मुझे बिल्कुल बिंदास, आज फेस है टीवी पे दिखते हैं, चार लोग आते हैं अपना सामान लेके, प्लीज पहन लो ना। कपड़े स्पॉन्सर थे, ज्वेलरी स्पॉन्सर थी, उसके अलावा झाड़ू तक स्पॉन्सर नहीं था। वो हमने जो मेहनत कमाई, हर्ष तो मान ही नहीं रहा था। हर्ष बोलता थोड़ा गुजराती दिमाग है ना, कम पैसा खर्चना, चुपचाप एक शादी करते हैं ऐसे और फिर छोटा सा एक रिसेप्शन करते हैं। और मैं पूरी पंजाब भर, वो ढोलकी चमचा टिक टिक वो मेरे को सब चाहिए था कि मेहंदी मेहंदी, हाँ हाँ, उधर ना लड़कियाँ इधर भागती हैं उधर, मुझे वो सब करना था। हर्ष ने मना कर दिया था कि ऐसी शादी मैं नहीं करूँगा। फिर वही वही फिर इसने कहा एक शर्त पे करूँगा, अगर हम आधा आधा करेंगे। और हमारे पंजाबियों में होता है, लोगों की सोच है कि लड़का सिर्फ बारात लेके 500 लोग लेके आता है और हम सेवा करते हैं। लेकिन आज मैंने काफी सुना है, ये नहीं कि हर्ष ने किया है, बहुत सारे लड़के कहते हैं कि आधा आधा करेंगे। और हमने भी ये सामने आके बैठा है। सच्ची जी, मैं तो पूरा ही किया था। बहुत झूठ बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। डालना ये प्रोमो। नहीं नहीं नहीं, 70-40, 70-30 ऐसा कुछ होगा। हमारा तो भाई 50-50 था। ये बात सही है कि आपकी शादी कौन खर्च कर रहा है, कौन स्पॉन्सर कर रहा है, उसे दुनिया को क्या लेना देना, क्या लेना? पर एज लॉन्ग एज आप लोग खुश हैं। तो इतना टाइम हो गया दूसरे को जानते हुए, भारती की तीन एक्चुअल में जो पब्लिक को नहीं मालूम है कि अनोइंग हैबिट क्या है उसमें। भारती की सबसे अनोइंग हैबिट है कि एक रोने वाली चीज होती है, जैसे आप किसी चीज को देखकर, किसी को भूखा देखकर आपको रोना आ गया, वो ठीक है सबको आता है। पेंगुइन देख के रोना आना कि उसके पैर छोटे हैं ये चलता कैसे होगा, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग इन दुबई। और मैं समझ ना आए, मैं चुप करूं और लोग मुझे देखे जाए कि पक्का इसने कुछ बोला होगा। दूसरी एक सबसे ज्यादा कि सीरियस चीजों पे हंसी निकलवाना। एक होता है आपको हंसी आ रही है तो आप चुपचाप अपनी हंसी कंट्रोल करने में ध्यान दो, एक होता है कि आपको हंसी आ रही है तो आप सामने वाले को और हंसाओ। तीसरी चीज क्या? तीसरी चीज ये है कि अगर इसकी सुबह जल्दी आंख खुल गई तो इसने पर्दे वर्दे खोल देने, एसी बंद कर देना, भाइयों को बुला देना है कि अरे आप झाड़ू मार दो, आप टक टक स्विच ऑन ऑफ हो रही है, वहां पे ये हो रहा है, आवाजें इतनी ज्यादा आ रही है, तो आपकी नींद हराम। लेकिन अगर उसका उल्टा होता है कि ये सो रही है और अगर मैं उठ गया तुझे पता नहीं चलता, पर्दे बंद कर, ये वो, और मैं जितना बोलता अरे उठ जा क्या हो गया जल्दी उठा करना, मैं 3 बजे लिख के सोया होता हूँ। सो ये मुझे बड़ा बुरा लगता है। भारती, मैंने सुना भारती तुझे बेडरूम में बहुत पीटती है। नहीं इतना नहीं। इतना नहीं। पीठ पे जो बेल्ट के निशाने दिखाओ ना। दो तीन चीजें छोड़ दो तो इतना नहीं। लेकिन भारती इसकी तीन इरिटेटिंग हैबिट, तीन या चार या दो? एक तो जैसे गाड़ी में पति पत्नी बैठे, थोड़ा होता ना कि प्यार वाले गाने सुनो, है ना, चुपके से सुने से बोले इंडिया गई है, ऐसे कोई कौन अपनी बीवी के साथ ऐसे नई नई शादी हुई रैप सुनेगा, मतलब मैं कितनी बार मैंने बंद कर देती बीच में, अरे ये सुन लेना, फिर गाता साथ में पूरे रैप, पता नहीं कहाँ से याद कर लेता है, एक एक वर्ड गाता है, मेरा इतना दिमाग खराब हो जाता है। दूसरी बात, उठता नहीं है। आप बोलोगे ना कि हर शूट आग लग गई, तो ये बोलेगा जब बेड तक आए तब उठाना, ऐसे वाला है। उसने कितनी सारी फ्लाइट छोड़ दी खुद की शादी में, हम जिस होटल में रह रहे थे हर्ष का रूम यहाँ था ही, मैं लोग नाच रहे हैं मेहंदियां लग रही हैं और जिसकी शादी है वो सोए, मैं रोई पता है और शादी है और शूट जा और नीचे ढोल बज रहे हैं। 3-4 फंक्शन थे, मैं रो रो के उठाया पता। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तीन अच्छी बातें बताओ इसकी। अच्छी बातें, सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत समझता है, बहुत ज्यादा, मतलब उसको मेरी आंख से पता चल जाता है कि क्या हो, मैं कुछ बताना भी नहीं चाहती ना, मैं ऐसे क्या हुआ, मैं बोलती हाँ कुछ, मैं बड़ी नकली एक्टिंग करने कुछ एकदम नहीं कुछ नहीं, बैठ पहले बता, पता नहीं मैं समझ नहीं पाती कि इसको कैसे पता चले। बाकी हर्ष की सारी बातें बहुत अच्छी है, मैं हर्ष अगर हम दोनों साथ हैं तो हमको किसी दोस्त की जरूरत नहीं, बहुत अच्छा पति है। जी हाँ, भारती की अच्छी बात, भारती सबसे अच्छी बात तो वो है कि मेरा बहुत ख्याल रखती है, बच्चे की तरह ख्याल रखती है कि मैंने कब खाना खाना है, कब ये करना है। जैसे कि मुझे, जैसे हमारी ऑफिस है उसमें एक बंदा रखा हुआ है, तो वो खाना बनाता है, वो ही बनाता है, लेकिन मुझे पता लग जाता है कि भारती ने बोला होगा। दूसरा कि मेरे काम को बहुत समझती है, बिकॉज बीइंग अ राइटर आप वक्त नहीं दे पाते,
आप ऑफिस में रहते हो चार चार पांच पांच बजे तक, तो कभी ये कॉल करके ये नहीं बोलती कि अरे कहाँ हो, क्या कर रहे हो, नहीं ये कोई काम होता है, ऐसा कभी नहीं बोला, बहुत समझती है मेरे काम को। बट आई थिंक इतनी, जब इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है तभी रिश्ते मजबूत बनते हैं। आई थिंक आई रियली होप कि हमेशा तुम लोग खुश रहो, मुस्कुराते रहो। एक गेम खेलेंगे हम। अच्छा। यू नो, एक सक्सेसफुल कपल उसे कहते हैं जहां पर हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। आज हाथ होंगे हर्ष के, लेकिन बटाएंगी भारती। नहीं समझी? अभी समझाते हैं। नहीं समझे? देखिए, आ जाओ भाई। सिचुएशन है कि भारती को हर्ष की स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी। वो किसी और राइटर से स्क्रिप्ट लिखवाना चाहती है और बताना चाहती है कि अच्छी स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है। हर्ष बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा लगता है मुझे और हैंडसम भी दिखता है, लेकिन स्क्रिप्ट में वो बात नहीं है उसके, मतलब स्क्रिप्ट में वो मजा नहीं है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी और राइटर से लिखवाऊँ, और मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, एक शॉट लगा ही लेती हूँ और साथ में, हाँ, कोल्ड ड्रिंक, ये वाली कोल्ड ड्रिंक मिलाएंगे साथ में, और क्या 500 रुपए में एक बॉटल आती है उसको पी के बेबी पैदा करेंगे। कमाल था, कमाल की अंडरस्टैंडिंग थी, दिख रही थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पेट में आने वाला है वो जल्द आ जाए। हाँ, रॉकस्टार बने, रॉकस्टार बने, भारती से ज्यादा ख्याति प्राप्त करे, यू नो, खुश रहे। शो पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है इस शो पे आके कि मैं डांस करना चाहता हूँ भारती के साथ, और एक रोमांटिक गाना हो, मतलब जो भारती की पर्सनालिटी को सूट करे। नेकी और पूछ पूछ हर्ष, प्लीज भारती, प्लीज बी आवर गेस्ट आपके साथ। जी हाँ। अरे जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी मोटी हम मोटी हम मोटी हम मोटी मोटी मोटी, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, बिस्तर पे लेटा दो, अरे बिस्तर पे लेटा दो, गद्दे का क्या काम है, बिस्तर पे लेटा दो, गद्दे का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मुश्किलों को ऐसे चुटकी में मात देती है, खुद अपनी हंसी उड़ाकर दूसरों को हंसा देती है। क्या हुआ अगर कोई दिल टूट गया, क्या हुआ अगर कोई तुमसे रूठ गया, हंसो क्योंकि जिंदगी छोटी है, ऐसा मैं नहीं भारती कहती है। अपने चेहरे की हर शिकन को मुस्कुराहट में बदल देना ही जिंदगी है। फिलहाल मैं आपसे लेता हूं इजाजत, फिर हाजिर हूंगा एक और जिंदगी के साथ, कुछ नए जज्बातों के साथ। गुड नाइट, शबा खैर। भारती, वो क्वेश्चन तेरे पीछे जो है डबल के, चाय देनी सर किसी को? सरापे पे लाइट पकड़ के, अगर हर्ष को बुला लेंगे तो लाइट पकड़ के कौन बैठेगा? हाय, कैसे आप सब? सच्ची बोलो, आज मुझे ना इस शो में आके इतना मजा आ रहा है ना,